मेरा नाम पृथ्वीराज परमार है और RAS 2018 का जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है उसमें ओवरऑल मुझे 56 रैंक प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही अभी नई वैकेंसी RAS की 2021 की आ चुकी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसकी कैसे तैयारी करनी है। प्रीलिम्स का सिलेबस भी जारी हो चुका है और फॉर्म भी भरने शुरू हो गए हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ जो बैकग्राउंड है वो बता देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा इसे बहुत ही संक्षिप्त रखने का। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जालौर डिस्ट्रिक्ट में भीनमाल से ही हुई है। 10th तक मैंने वहीं से एजुकेशन प्राप्त की है। उसके बाद में मैंने साइंस मैथमेटिक्स चूज़ किया था और मैं कोटा चला गया था, और 11th 12th में मैंने कोटा से जो है वो एजुकेशन प्राप्त की है। उसके बाद में मैंने IIT के लिए प्रिपरेशन की थी, लेकिन IIT में मेरा नहीं हो पाया था, और फिर मैंने BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु से किया। मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके बाद एक साल मैंने दिल्ली में जो है वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन की थी। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि गेट क्या होता है और उसका यहाँ ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। फिर मैं जो है वो गेट में मैं चाहता था कि चूंकि मेरा IIT में भी नहीं हुआ था और उसके बाद में मैंने गेट में भी कोशिश की तो मुझे PSUs तो नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए मैं एम कर रहा था। बेसिकली MTech के लिए मुझे मिल रहा था किसी भी कॉलेज से, किसी भी IIT से, लेकिन MTech करने का मेरे अंदर से वो इच्छा नहीं थी, मेरी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर जो है वो मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको कि मैं अपने लाइफ के उस मोड पे था, उस जो है वो निम्नतम मोड पे था कि जहाँ से उठ कर के मुड़ना और वापस ये सोचना कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगा या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगा, तो ये जो है वो सोचना मेरे लिए बहुत ही टफ टास्क था, बहुत ही मुश्किल था। तो ये जर्नी जो है वो बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए काफ़ी आसान बनाई है। जैसा कि जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि ना तो मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज के टच में है और ना ही कोई सिविल सर्वेंट है मेरा इतना रिसेंट क्लोज कि वो मुझे बता सके कि किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं या इसके लिए क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, उसने 2016 का मेंस लिखा था, कैलाश नाम है उनका, और उन्होंने जो है वो मुझे गाइड किया। मैं उनसे इंसिडेंटली मिला कि फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, मेरा तो कुछ हो रहा नहीं है, कुछ अच्छा चल रहा नहीं है, तो आप बताइए क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो है वो 2000 RAS नाम का कुछ एग्ज़ाम होता है और वो 2016 का मैंने मेंस लिखा हुआ है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना अभी बाकी है। तो फिर वहाँ से मुझे नॉलेज मिलना शुरू हुआ कि अच्छा ये होता है, चार पेपर होते हैं, इस तरीके से होता है। तो फिर उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि जैसा कि मेरा बैकग्राउंड है वो राजस्थान से रिलेटेड नहीं है या डायरेक्ट राजस्थान के टच में नहीं रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है वो कोई कोचिंग अच्छी सी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे गाइडेंस की जो है वो सख्त ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने कुछ जो है वो नाम ढूंढे, थोड़ा सर्च किया, थोड़ी एक्सरसाइज करी कि मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो तब मुझे स्प्रिंग बोर्ड का जो है वो नाम पता चला सबसे पहले। तो जब उन्होंने मुझे नाम बताया कि स्प्रिंग बोर्ड नाम की कोई कोचिंग है या स्प्रिंग बोर्ड, तो मैंने उनसे वापस से पूछा क्या क्या बोला नाम आपने, उन्होंने बोला स्प्रिंग बोर्ड। मैंने कहा ये क्या होता है स्प्रिंग बोर्ड, मतलब मैंने भी बहुत सारी कोचिंग की है और नाम अच्छे अच्छे होते हैं, ये सरनेम वाले नाम ही होते हैं, मतलब जो पीछे जो टैग होता है वो नाम होते हैं, ये स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है। तो जैसा कि दिलीप सर ने भी आपको कई बार बताया होगा कि जो ओलंपिक में या गेम्स में जो स्प्रिंग बोर्ड जो होता है वो आपको एक पुश करने के काम आता है, और कोचिंग का जो रोल होता है ना बेसिकली वो वही होता है कि जो रिजल्ट होता है ना वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बच्चे की मेहनत और उसको सही गाइडेंस। तो जो पुश करना है, जो हमको क्या जो लीड लेनी है, जो लीप लेनी है हमें आगे, उसके लिए जो पुश करने का जो प्लेटफॉर्म है वो है स्प्रिंग बोर्ड, और वो RAS के लिए वाकई में स्प्रिंग बोर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो वहाँ से मुझे फिर मैं जयपुर आ गया सीधा और मैंने स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन ले लिया था। ये बात है करीबन मई जून में 2017 की, 2017 की, फाउंडेशन बैच उस समय बन रहे थे और उस समय मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था।
उसके बाद से जो है वो मेरी ये प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है 2017 मई से लगा करके जो अभी 13 जुलाई 2021 में जो रिजल्ट आया वो पूरी रोलर कोस्टर राइड रही है, क्योंकि फिर मेरा इंजीनियरिंग का पूरा सब कुछ छूट चुका था और जब मैं यहाँ आया तो मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि राजस्थान में 32 जिले हैं या 33 जिले हैं या क्या है कैसे है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, एकदम स्क्रैच से शुरू करना था। और इसीलिए मेरे जैसे कैंडिडेट के लिए कोचिंग जो है वो बहुत कंपलसरी थी, बहुत मस्ट भी थी। तो मैंने पहले भी कोचिंग करी हुई है, गेट के लिए करी थी, उसके पहले मैंने कॉलेज में भी जो है वो एक बार कोचिंग इसके कैट के वगैरह के लिए जो है वो ज्वाइन करी हुई है कुछ दिनों के लिए ही। तो मुझे कोचिंग का जो है वो आईआईटी के लिए भी कोचिंग करी है, तो कोचिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मतलब एवरेज था, इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे किसी भी जो लेवल पे है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला नहीं। हालांकि मैं एम्बिशियस बहुत हूँ शुरू से ही, तो इसी वजह से मुझे ऐसा हो सकता है लगाओ, बाकी सब अपना अपना एफर्ट्स तो लगाते ही हैं। तो जब मैं यहाँ आया और मुझे लगा कि हाँ ठीक है कि कैसे करूँगा, इतना सारा सिलेबस होता है, इतने सारा मतलब इतना हमको एफर्ट पुट करना होता है और लिखना भी होता है, प्रीलिम्स कैसे करूँगा, मेंस कैसे करूँगा, तो बहुत सारे जो है वो मेरे डाउट्स थे और बहुत सारी मेरे सामने चैलेंजेस थे। तो यहाँ आने से मेरा ये एक काम तो बहुत आसान हो गया कि मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मुझे जो है वो सही गाइडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा या मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ कि जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है और उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, और जो हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे इसी वैकेंसी में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो रिजल्ट आने के बाद में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या कोचिंग के नोट्स सफिशियंट होते हैं, आपने और क्या क्या पढ़ा, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो भी पूछते हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी पूछते हैं, और ये बहुत ही जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन क्वेश्चन है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी ये डाउट आ रहा था, और जब कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसे सोर्सेज की सही जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो तैयारी कैसे हो पाएगी। तो मेरा यही कहना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई गाइडिंग लाइट है वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सिलेबस को हमारे पास में हमेशा होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें अपनी तैयारी को फोकस करना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपना सोर्स जो है वो चूज़ करना चाहिए, सिलेबस में जो पॉइंट लिखा हुआ है ना वो उसकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और वो पॉइंट के ऊपर में सबसे पहले हमें जो है वो तैयारी करनी चाहिए। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, जो कि अक्सर डाउट लोग पूछते रहते हैं कि आपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े, तो हाँ मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े, मैंने पूरी फाउंडेशन कोचिंग ही स्प्रिंग बोर्ड से ली है, प्रीलिम्स से पहले से लगा के इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू गाइडेंस लास्ट तक, तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने स्प्रिंग बोर्ड का मटीरियल तो पढ़ा ही है, कि इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा। तो ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए कि आपने और क्या क्या पढ़ा, तो शुरू में जो कहते हैं ना कि ये रहता है मन में कि मैं कुछ वो कोई दूसरा सोर्स पढ़ लूँ या वो सोर्स पढ़ लूँ, तो वो मेरे मन में भी आता था, हम भी बुक्स पूछने जाते थे, सर बुक्स बताते भी थे, सब कुछ होता था। लेकिन मैं यहाँ स्ट्रेस आउट करना चाहूँगा इस चीज़ को कि अगर कोई टीचर जो है वो यहाँ पे आके पढ़ा रहा है या फिर नोट्स लिखवा रहा है या उसने कोई कोर्स जो है वो अगर डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो उसके पीछे कितना अमाउंट ऑफ हार्डवर्क होता है ये हम वहाँ बैठ करके नहीं सोच सकते कि एक कोचिंग जो लगातार इतने सालों से इतने अच्छे रिजल्ट दे रही है और जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं पढ़ाने वाले हैं, वो इतने सालों से अपना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं कि जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाए और जो है वो लेटेस्ट जो नोट्स अवेलेबल करवाए जाए। तो नोट्स जो शब्द है ना वो इस मेहनत के सामने बहुत ही छोटा है, वो देख करके ऐसा लगता है कि हाँ क्या है ये नोट्स ही तो है, लेकिन वो एक नोट्स नोट्स बनाने के पीछे जो उन्होंने 10-12 किताबें पढ़ी है, 10-12-15-20 सालों का उनका जो एफर्ट है इस एग्ज़ाम के नेचर को समझने का और इस एग्ज़ाम के जो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इस एग्ज़ाम में पूछने की, वो उसको बहुत ही जो है वो छोटी नज़रों से देखा जाता है जब हम ये बोलते हैं कि क्या नोट्स सफिशियंट है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि नोट्स से शुरू कीजिए, ठीक है, नोट्स से शुरू कीजिए, और जब आपको लगे कि मैंने नोट्स मास्टर कर लिए हैं, जब आपको लगे कि आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, जब आप प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर दे रहे हैं या फिर मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको लगे कि मैंने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए और मैं उसको आंसर के अंदर में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद में जो है वो आप और सोर्सेज भी रिफ्लेक्ट और सोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में इतना टाइम नहीं था कि
जो है वो मैं इतने सारे नोट्स को पढ़ने के बाद में, मास्टर करने के बाद में जो है वो अलग सोर्सेज निकालूं और अलग सोर्सेज से उससे पढ़ूं या कुछ ग्रैप्स कर सकूं। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं वो बुक भी पढ़ लूं, वो बुक भी पढ़ लूं। लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में जो की एस्पेक्ट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि लोग मिस कर जाते हैं, इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा बड़ा मान करके या बहुत ज़्यादा ज़्यादा महान मान करके ये गलती कर लेते हैं कि हमें जो बहुत ज़्यादा पढ़ना होना आना चाहिए। ऐसा मिसकंसेप्शन है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ इन द सिलेबस ऑफ आर एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है, सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है और बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो मेरी तो यही पर्सनल सलाह है कि नोट से शुरू कीजिए, नोट्स को अच्छे से आप पढ़िए, उसको अच्छे से याद कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व कीजिए, सिलेबस को देखते रहिए। उसके बाद में अगर आपको नोट्स में कुछ कमी लगती है तो आप ज़रूर दूसरे सोर्सेज पे मूव आउट कर सकते हैं। दूसरा, प्रीलिम्स के लिए जो बेसिकली है वो कुछ एरियाज होते हैं, उसके ऊपर में आपको खास तौर से ध्यान देना होता है। जैसे कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, वो प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है हमारा, राजस्थान से रिलेटेड। नॉट ओनली आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई, तो राजस्थान स्पेसिफिक जो है वो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा होता है इकोनॉमिक सर्वे वाला, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, योजनाएं भी पूछी जाती हैं, डेटाज भी पूछा जाता है, तो वो अच्छे से करना होगा। स्प्रिंग बोर्ड के चैनल पर विकास सर की क्लासेस लगी हुई है सारी इकोनॉमिक सर्वे की, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आप वो देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स का होता है, तो जो 6 महीने 8 महीने 10 महीने जितना पढ़ सकते हैं अपने जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके पीछे तक का, वो सारा जो है वो हमें कवर करना चाहिए। प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है, उसके मार्क्स आगे नहीं काउंट होते हैं, ये सब आप जानते हैं। और हमें मिनिमम ट्राई करना चाहिए कि 50% का जो मार्क है वो हम क्रॉस कर लें, आसानी से क्रॉस कर लें, ताकि हम प्रीलिम्स होने के बाद में जो है वो मस्त रहेंगे, हमारा जो है वो सिलेक्शन प्रीलिम्स का हो जाएगा, हम ये ज़्यादा सोच में ना पड़ेगी हमारा होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। और प्रीलिम्स होने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक के बाद में हम मेंस की तैयारी शुरू कर दें। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो अलग अलग नहीं होती है। प्रीलिम्स और मेंस में जो सब्जेक्ट कॉमन होते हैं ना, उनकी तैयारी तो साथ में ही करनी होती है। जैसे पॉलिटी है तो प्रीलिम्स में भी लिख है और मेंस में भी हमें लिखना होता है, तो वो तैयारी साथ में ही होगी, उसका जो है वो लिखने का पोर्शन या याद करने का पोर्शन जो है वो साथ में ही चलेगा। हाँ, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ मेंस में ही है तो उनको मेंस स्पेसिफिक तैयारी करनी है, या मैथ्स और रीजनिंग जो है वो हमारा सिर्फ प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है तो वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही करना है। तो ये जो है वो मोटा मोटा तैयारी का रहता है हमारा। उसके साथ ही जो फोर्थ पेपर है अपना मेंस के अंदर में, उसमें मेरे को 130 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरी जो रैंक आई है उसमें उस पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत ही स्टैटिक पोर्शन होता है, 50 मार्क्स की ग्रामर आती है और ग्रामर में जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आप, उस वो रिफ्लेक्ट होता है जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है हमारा, पीछे वाला पोर्शन उस पर रिफ्लेक्ट होता है कि अगर हम वहाँ पुअर स्कोर करते हैं ग्रामर में तो पीछे भी कम मार्क्स मिलते हैं। तो ये किसी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ग्रामर में अच्छा स्कोर करेंगे तो पीछे भी जो एग्जामिनर है वो हमको अच्छे मार्क्स देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि फोर्थ पेपर में, और कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं इंग्लिश छोड़ के चला जाऊंगा और मैं हिंदी में जो है वो 120 मार्क्स की हिंदी आती है तो मैं 100-110 वहाँ स्कोर कर लूँगा, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि कोई भी पोर्शन जो है वो छोड़ के ना जाए, चाहे वो इंग्लिश का हो या चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो, उसे कम से कम इतना पढ़ लें कि जो एवरेज स्टूडेंट जो जितना स्कोर कर रहे हैं वो जो है वो हम अच्छे से स्कोर कर पाए। और अगर आप 120 का मार्क फोर्थ पेपर में क्रॉस करना चाहते हैं, 115-120 का मार्क अगर क्रॉस करना चाहते हैं, 2016 में भी कुछ बच्चों के जो है वो 120 प्लस मार्क्स आई थी, तो 120 को मुझे लगता है कि क्रॉस किया जा सकता है। तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पे जो है वो साथ साथ में जोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बात आपको एक ध्यान रखनी चाहिए। और सारे सब्जेक्ट को जो जो उसके मार्क्स है ना उसके हिसाब से वेटेज देना। कभी कभी क्या करते हैं कि जो कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, पॉलिटी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है या इकोनॉमी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम जो है वो उसके मास्टर बन जाते हैं और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उसमें फिर हमें डर लगने लगता है कि इसका कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजी जो है ना वो जो मार्क्स हमारे मेंस में वैल्यू करते हैं या प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग रखना है। और रही बात ये कि हमें जो है वो कितने घंटे पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो उसका तो मैं यही कहूँगा कि जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा जो है वो फल मिलेगा। भरोसा रखो कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पढ़ने आता था ना तो मुझे भी डाउट होता था
और जब मेरे सामने फिफ्थ रैंकर उपेंद्र जी खड़े होते थे तो मुझे लगता था कि मेरे को इनके जैसा बनना है, मेरे को भी इतनी रैंक लानी है। मेरे सामने जब देवयानी मैम खड़े होते थे, थर्ड रैंकर आरएस 2013 फीमेल में फर्स्ट रैंकर, तो मुझे लगता था कि इन्होंने भी ये जो है वो पाथ फॉलो किया है, तो जो है वो मैं भी इनके जैसे कर सकता हूँ, मैं भी इनके जैसे पढ़ सकता हूँ, मैं भी इनके जैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर पे, और जो अपने बैरियर्स है ना वो तोड़ दें। जो ये बहुत सारे नॉइजेज आते हैं इधर से उधर से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये होता है वो होता है, तो अपने आप पे भरोसा रखें। और अपने जो जितने भी बैरियर्स हैं, आपको लगता है कि मैं तो 3 ही घंटे पढ़ सकता हूँ, ये आप में आपके दिमाग में आपको लगता है कि आप 3 ही घंटे पढ़ सकते हो, जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि मैं और पढ़ सकता हूँ, मैं और मेहनत कर सकता हूँ, और मेहनत करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम में, इतने सारे बच्चे देते हैं, और राजस्थान का जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य सेवा ही है, तो इसके लिए तो सब लोग पढ़ेंगे। और रिजल्ट आने के बाद में तो आपने देखा ही होगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कितने धूमधाम से जो है वो उनका स्वागत समारोह हो रहा है, और कितना वो, तो ये सब इतनी बड़ी सेवा है तो उसके लिए लोग भी उतनी मेहनत करते हैं। तो अपने बैरियर्स तोड़ दें। और एक बात ध्यान रखें कि आप पतंग नहीं हो, पंछी हो, कोई डोर है ना तुम्हें रोक नहीं सकती, तो इसलिए पूरी मेहनत से लग जाएं, अपने बैरियर्स को तोड़ दें, अपनी जो अंदर का डर है वो उसको तोड़ दें। और हमेशा ध्यान रखें कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता, लड़ो अपने अंदर के भय से, लड़ो अपने अंदर के आलस्य से, लड़ो अपने अंदर के मोह से, अपने अपनी वासना से, अपने लालसा से, और इन सब पे जीत प्राप्त कर लोगे ना जिस दिन तुम सुबह 5 बजे उठ जाओगे कि मुझे पढ़ना है, और अंदर से जो ललक होगी ना, जिस दिन उस आलस्य पर उस पर आप विजय प्राप्त कर लोगे ना, तो ये एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है। और ये एग्ज़ाम का प्रोसीजर इतना बड़ा चलता है, इतना लंबा चलता है, कि जिसने इस एग्ज़ाम के अंदर में अच्छा कर लिया ना, तो वो लाइफ में कभी अटक ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको पता ही है कैसा चलता है, इंटरव्यू की डेट दे देते हैं, फिर वापस कैंसिल हो जाता है, मेंस की डेट आ जाती है, फिर कुछ हो जाता है, आगे चला जाता है, तो इतने उतार चढ़ाव हम पहले ही इसमें देख लेते हैं ना, तो मतलब कहते हैं कि जो प्रशासन का जो अनुभव होता है ना, जो वहाँ पे कि वहाँ पे कभी भी पुलिस को जाना पड़ जाता है, कभी भी जो SDM साहब होते हैं उन्हें कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो वो उन्हें ये एग्ज़ाम है ना पहले ही फील करा देता है कि कहाँ क्या हो सकता है, वो पहले ही ध्यान रखना तुम, कि 2 दिन 4 दिन पहले पता चलता है कि इंटरव्यू नहीं होने वाला है, 5 कुछ दिन पहले हवा बनती है कि प्रीलिम्स नहीं होगा, प्रीलिम्स नहीं होगा, आगे जाने वाला, आगे जाने वाला है, लेकिन फिर एक बेस्ट ऑफ लक का नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, आपका प्रीलिम्स 5 अगस्त को ही होगा, और 5 अगस्त को हुआ भी हमारा प्रीलिम्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला है। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, करंट अफेयर्स की लैंग्वेज बहुत अच्छे से सोर्सेज टीचर ने बता दिए, लेकिन मेरा पूरा दिन सब्जेक्ट पढ़ने में निकल जाता है और इनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करें प्लीज़ गाइड। त्रिशा शर्मा जी का ये डाउट है, तो शुरू में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो है वो आपका शुरू ही हुआ है, तो टाइम मैनेजमेंट शुरू में दिक्कत आती है। मैं ये करता था कि जो भी पढ़ाते थे ना, वो उसी दिन मैं पढ़ लिया करता था, तो इतना टाइम तो हमें मिल जाता। मुझे पता है आपका 6-8 घंटे की क्लास अभी चल रही होगी, मेरी भी चलती थी 6-8 घंटे की, लेकिन उसके बाद में मैं सेल्फ स्टडी जरूर करता था, तो सेल्फ स्टडी जरूर करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखें, करंट अफेयर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल दें, साथ में नहीं पढ़ेंगे ना तो बाद में बहुत ज़्यादा कंपाइल होता जाएगा, फिर नहीं कर पाएंगे। नोट्स के अलावा किस पर ध्यान दिया था? मेरे पास इतना ही टाइम था, मेरा दिमाग इतना ही है कि मेरा नोट्स में ही ध्यान गया, तो सच बात तो यही है, तो मैंने तो नोट्स पर ही पूरा फोकस किया था। और इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है, मैंने फिर से कहूँगा कि नोट्स को मास्टर करें, उसके बाद में ना करें ज़्यादा टेंशन, बैकलॉग का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वही तो कह रहा हूँ, साथ साथ में करें, साथ में नहीं करेंगे तो बैकलॉग होता जाएगा और फिर वो नहीं हो पाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा एक सब्जेक्ट का 4-5 दिन का छूट गया था, तो मुझे आज भी वो 4-5 दिन का पढ़ने में बहुत जोर पड़ता है, तो बहुत पूरी तैयारी के दौरान बहुत जोर पड़ा था, इसलिए साथ में करते रहे। आप याद कैसे करें सर हर सब्जेक्ट को? तो वो राजवी सर सर से पूछना आप याद कैसे करें, वो अच्छा ट्रिक वगैरह बता दें, हमको भी बताई थी ना, मैंने भी फॉलो करी थी। उसके अलावा पढ़ने का टाइम टेबल बताओ, सबका सब्जेक्ट ही होता है, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था 5 बजे, अगर आप रात को 9 बजे शुरू करें, सुबह 5 बजे तक पढ़ें तो वो भी कर सकते हैं, मैं सुबह पढ़ता था, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी माध्यम के लिए क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, कौन सा पेपर पढ़ें, या मासिक पत्रिका और कोचिंग पर निर्भर रहें? क्या पढ़ें, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो जो नोट्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे पढ़ें उसको ढंग से करें, उसको पहले कंप्लीट करें अच्छे से। और मासिक मासिक पत्रिका वगैरह बहुत सारी आती है, इसमें
मार्केट में, तो कोई भी एक पढ़ लें, न्यूज़पेपर अपने आते कोई भी एक पढ़ लें, लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ ज़्यादा आता है, काम की चीज़ कम आती है। तो इसके लिए इंग्लिश के लिए क्या रणनीति रखी है आपने? इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही बेसिक आती है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा हमें ना पढ़ें, SSC की जो बुक्स चलती हैं वो एक कोई भी खरीद लें, SSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस के हिसाब से टॉपिक मार्क कर लें और उनको पढ़ें, बेसिक से पढ़ें, बार बार पढ़ें, टेस्ट दें, हो जाएगी इंग्लिश, ज़्यादा चिंता करने की। कोचिंग में क्रैंक कितनी रहती थी? अच्छा, कोचिंग में भी ऊपर नीचे ही रहती थी, कभी फर्स्ट नहीं आया और कभी मतलब बहुत पीछे भी नहीं गया, कभी कभी बहुत अच्छी टॉप 5 में भी रैंक आ जाती थी तो अच्छा भी लगता था, और कभी जो है वो टॉप 50 से भी बाहर हो जाया करता था, तो उस समय ये भी लगता था कि नहीं मुझे वापस से मेहनत करनी है। तो ये अलग अलग होता है, वो आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए मैंने, सारे टेस्ट दिए, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था मैंने स्प्रिंग बोर्ड का, यदि मैंने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, पीछे रैंक आती थी फिर भी मैं जाता था, टेस्ट लिखता था। जॉब के साथ में, सर मैंने जॉब करी नहीं तो मैं एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, आप कोई जॉब से जिसने किया हो उनसे पूछेंगे तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैंने जो है वो कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन कैसे करें? अभी आपका शुरू ही हुआ है तो एक बार सब्जेक्ट पूरा होने दीजिए, और आप साथ साथ में पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप मतलब कि हाँ मैं बाद में पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा बर्डन आएगा, साथ साथ में कीजिए। कोचिंग का फ़ायदा यही होता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करो और पीछे का जब भी समय मिलता है उसे रिवाइज करते रहो, तो वो कर सकते हैं। आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स पर रहें, क्लास को देखकर लिखें, या जो PDF मिल रही है उससे पढ़ें? देखो मेरा तो ऑफलाइन था, मेरे पास में तो ऑप्शन था नहीं कि कोई PDF मिल रही है या कुछ मिल रहा है, हमारे तो सर आते थे और जल्दी जल्दी बोलते थे और उसी स्पीड से, मुझे लगता है कि मेरी स्पीड उसी से बनी, मेरी स्पीड बहुत कम थी, 4th पेपर में ना स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होती है, तो मेरी स्पीड अच्छी होने का कारण एक था कि मैं क्लास में साथ साथ में लिखता था। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि रजाई में जो है वो जैसे मूवी देखते हैं वैसे सामने रख करके पढ़ने से तो थोड़ा मुश्किल है अपने, अगर आप टेबल चेयर पर बैठ करके अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस अभी से हो जाएगी। तो आंसर राइटिंग क्या होता है? यही तो होता है लिखने की प्रैक्टिस। कब स्टार्ट की थी मैंने? जैसा कि बताया ना आपको, मई 2017 में मेरा बैच था जो कि यहाँ फाउंडेशन बैच था, स्प्रिंग बोर्ड में स्टार्ट हो गया था मई 2017 में, तब से ही मैंने जो है वो स्टार्ट कर ली थी, उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मेरा कोई इसमें टच नहीं था। हैंड राइटिंग मैटर इन द मेंस एग्ज़ाम? मैं ये कहूँगा कि मैटर तो करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अच्छी नहीं है। देखो अब कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, तो अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी की हुई है तो किसी को भी अच्छी लगेगी, है कि नहीं? अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगूंगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पड़ता है, लेकिन कंटेंट जो है ना वो है मेन। तो हैंडराइटिंग को अगर अभी टाइम है थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लें आप, हैंडराइटिंग तो ठीक है मतलब हो जाएगा साथ में। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए कौन सी बुक लें? प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो RPSC की वेबसाइट पे, बुक का तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो कोई बुक पढ़ी नहीं, तो RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। और स्प्रिंग बोर्ड के भी जो है वो हमने जो टेस्ट सीरीज लिखी थी वो पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। वे ऑफ मेकिंग नोट सब्जेक्टिव होता है, मैं तो वो जो अपने क्लास नोट्स होते थे, मेरा आदत है लिख लिख के पढ़ने की आदत थी, तो मैं पहले रफ़ में लिखता था, फिर मुझे लगा कि यार ये रफ़ में तो रफ़ हो जाएगा, हालांकि मेरे नोट्स भी वो रफ़ जैसे ही है, वो मुझे ही समझ में आ सकते हैं और किसी को नहीं आएंगे, तो वो पेपर में फिर मैंने A4 शीट्स पर लिखना शुरू कर दिया, कीवर्ड्स लिखता था खाली, और इतनी बार पढ़ लिया था कि वो कीवर्ड्स देख के ही मुझे टॉपिक समझ में आ जाया करता था। तो इसलिए नोट्स जो है वो सबका अपना अपना रहता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नोट्स नहीं भी बनाए। तो प्री के लिए इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें? कम टाइम है, किसने बोला कम टाइम है? अभी बैच स्टार्ट हो रहा है तो भरोसा रखें, ये सब यहाँ पे तैयारी करवाएंगे, आप में विल पावर होनी चाहिए, आप में होना चाहिए। प्री तो कट ऑफ क्लियर करनी होती है, मार्क्स तो फाइनल ऐड होती भी नहीं है ना, तो इसलिए अब 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसके अंदर में 100 मार्क्स ही तो लाने हैं, 50% खाली, उसमें आप कम मार्क्स का इतना क्यों सोच रहे हैं कि भाई कम मार्क्स हैं या ये है वो है, तो कोई दिक्कत नहीं आप करें। हाउ यू चूज फॉर प्रीलिम्स, हाउ मच क्वेश्चन यू विल डू एट लीस्ट 55? नहीं नहीं, मतलब ऐसे सोच के नहीं जा सकते कि इतने क्वेश्चन करूंगा या उतने नहीं करूंगा। मैंने 2 बारी में क्वेश्चन पूरा पेपर कंप्लीट किया था, कि फर्स्ट बार में जब किया तो मेरे कम अटेम्प्ट हुए थे तो मुझे लगा कि इतने में क्लियर हो नहीं पाएगा,
फिर मैंने दूसरी बार वापस किया, मैंने मार्क कर लिए थे फर्स्ट बार में ही। वो देखो ये स्ट्रेटेजी है ना, घर ऐसे नहीं आ सकती है। वो आप पढ़ोगे कंटेंट, उसके बाद में कुछ टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर जो है वो अटेंड करोगे ना, उसके बाद ही ये भी आएगा समझ में। यहाँ एकदम बिना ऐसे रॉ में नहीं समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन है तो कोई आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, कैन यू प्लीज शेयर? तो इंटरव्यू की स्टेज पर आएगी तो यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार होते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज में जो पूछे गए थे मुझे, तो मैं तो फॉर्चुनेट था कि वैसे ही मुझे पूछे गए। हिंदी को कोचिंग में जो पढ़ाया है वो ही पढ़े या कोई बुक भी प्रिफर की थी? राघव प्रकाश पढ़िए, पर्यायवाची मुहावरे कोई नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग हो या कोई भी हो, लोकोक्ति मुहावरे कोई नहीं पढ़ाएगा। जो कंसेप्चुअल है, संधि है या उपसर्ग है या वो पढ़ाते हैं, लेकिन लोकोक्ति मुहावरे या पर्यायवाची तो खुद को याद करने पड़ेंगे, पारिभाषिक शब्दावली तो खुद को याद करनी पड़ेगी, वो कोई घर पे थोड़ी पढ़ाने आएगा, तो वो तो खुद को ही करनी पड़ेगी सर आपको। हाउ डिफरेंट, डिफिकल्ट पूछना चाह रहे होंगे शायद, टू क्लियर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट शिवाक्षी जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका, थर्ड रैंक सॉरी, 11th रैंक उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा ना सोचें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था और हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्लियर करने में फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्वेश्चन पूछे आप लिख रहे हैं, इंग्लिश के लिए क्या पढ़ा था? इंग्लिश के लिए मैंने बताया ना, एसएससी की कोई बुक खरीद लीजिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनका ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, उनका ज़्यादा होता है, अपने जो टॉपिक्स लिखे हुए ना उनको अच्छे से कर लें। हाँ जी, फर्स्ट चांस ही था 2018 में। नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, तो नेगेटिव मार्किंग तो होती है। आप थोड़ा पेपर का पैटर्न तो देख लीजिए, पेपर का पैटर्न देख लीजिए कि 150 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव कितनी होती है, क्या होती है, वो देख करके, वो तो कम से कम स्टार्टिंग में सबको कर ही लेना चाहिए। वो तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ही कर लिया था, तो प्लीज़ उसको कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। सर हमने अभी स्टार्ट ही किया है, विल इट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू क्रैक द प्रीलिम्स? नहीं नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। मेरा मेंस के बाद का जो मेरा मेंस क्लियर करने के बाद में रूममेट है मेरा नरेंद्र, 70 रैंक है उसकी, ठीक है, और उसने प्रीलिम्स ऐसे ही दिया था नॉर्मल पढ़ाई करके। यहाँ पे जो अभी 4-5 महीने है ना, उतने भी नहीं थे उसके पास में, और उसने बाद में स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था, मेंस वाला बैच ज्वाइन किया था, 70th रैंक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतने साल की पढ़ाई जरूरी होती है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप तो जिस दिन आपने ठाना ना, वो ही शुभ मुहूर्त है कि आज से ही हमको लगना है और आज से ही हमें प्रिपरेशन करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगे जी जान से लगे। सिलेबस को कैसे याद रखें? तो आप प्रिंट आउट रखिए ना साथ में, रोज पढ़िए उसको, रोज आएगा सामने तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस में। तो सिलेबस देखकर उसके हिसाब से पढ़ाई करें या आंखें मीच कर जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है? अरे मुझे ये बताइए, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो क्या सिलेबस से बाहर पढ़ाया जाता है क्या? जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे थे सर यूएनएससी वाला, तो यूएनएससी सिलेबस में है कि नहीं? मतलब आप सिलेबस तो देख लीजिए यार, हाँ प्लीज़ सिलेबस को देखिए, और जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो क्या सिलेबस से नहीं पढ़ाते हैं? कि आप कह रहे हो कि आंखें मीच कर जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, लगता है कि कोचिंग की क्लासेस द्वारा मटेरियल पूरा ही सिलेबस है, सिलेबस देखने का मन ही नहीं। सिलेबस तो देखिए, और ऑब्वियसली कोचिंग में तो सिलेबस से ही पढ़ाएंगे, और बाहर से क्या कोई आरपीएससी से विशेष सिलेबस तो आता नहीं है किसी के पास में, जो सबके पास में वही है। तो प्लीज़ सिलेबस देखिए, और जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ना वो सिलेबस से ही है, ये जो नोट्स तैयार होते हैं या जो मेहनत लगाते हैं ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होती है, वो बाहर से कैसे हो सकती है। मैथ्स रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करें, यहाँ पे क्लासेस लगाई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें, स्प्रिंग बोर्ड के ही आप तो पेपर उठा लीजिए, मैं तो यही कहूँगा स्प्रिंग बोर्ड के पेपर उठा लीजिए जो हमारे टाइम पे चलते थे, और वो ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, तो हो जाएगा। पतंग और पंछी वाली बात अच्छी लगी, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास में, आज टाइम कम है, तो अगर मुझे अलाउ करेंगे सर तो अगली बार भी मैं आऊँगा और बहुत सारी बातें बताऊँगा अच्छी अच्छी आपको। तो रिवीजन करने का तरीका, तो रिवीजन करने का क्या तरीका है, वही जो लिखा है उसको वापस पढ़ना है, तो जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आसान होता जाएगा। तो अभी आज के लिए तो टाइम इतना ही है,